ओके, टुडे वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट पावर एंड वेलोसिटी स्टेटस फॉर डक्ट व्हिच इज कैरिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर एंड वेलोसिटी डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ वन एग्जांपल। सो हियर दिस इज द स्टेटमेंट, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट एंड वॉट एवर बी द डेटा गिवन इन दिस स्टेटमेंट, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क इन अवर फॉर्मेट। सो वॉट ही इज टेलिंग, द डक्ट एज शोन इन फिगर इज सप्लाइड विथ एयर एट ए। ओके चलो चलो, सो एयर इज एंटरिंग फ्रॉम दिस ए एंड दिस फिगर इज गिवन एंड डिस्चार्ज इज फ्रीली टू एटमोसफियर एट एफ। सो हियर दिस मे बी डक्ट मे बी लॉन्ग, ओके, और सम फैन माइट बी हेयर। वॉट इज हियर दैट इज नॉट गिवन, बट इट इज गिवन दैट दिस एफ मीन्स एट दिस लोकेशन इट इज ओपन टू एटमोसफियर। सो वी हैव टू कंसिडर हियर एटमोसफियरिक प्रेशर और वी कैन से दैट गेज प्रेशर शुड बी जीरो एट दिस लोकेशन। द डक्ट ए बी इज पॉइंट, द डक्ट ए बी इज 0.6 मीटर इन डायामीटर एंड 45 मीटर लॉन्ग। ओके सो लेटर हियर डायामीटर 0.6 एंड 45 मीटर लॉन्ग। द डक्ट सी डी इज 1.2 मीटर इन डायामीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग। ओके सो दिस डक्ट सी डी मीन्स ही इज टेलिंग अबाउट दिस लेंथ हुज डायामीटर इज 1.2 मीटर एंड लेंथ इज 150 मीटर। एंड द डक्ट ई एफ इज 0.45 मीटर इन डायामीटर एंड 15 मीटर लॉन्ग। ओके सो दिस ई एफ दिस मच लेंथ इट हैज 0.45 मीटर डायामीटर एंड 15 मीटर लेंथ। द वेलोसिटी ऑफ एयर इन डक्ट ए बी इज 600 मीटर पर मिनिट। ओके सो हियर इन दिस डक्ट वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 600 मीटर पर मिनिट। सो लेट अस कन्वर्ट इन टू मीटर पर सेकंड। सो हियर वेलोसिटी इन दिस सेक्शन मीन्स ए सेक्शन नंबर वन, लेट अस मार्क ए बी एज अ सेक्शन नंबर वन। सो वी वन इज इक्वल टू 600 मीटर पर मिनिट। सो लेट अस कन्वर्ट इन टू मीटर पर सेकंड, सो इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड। द लॉसिस इन द एक्सपांडर बी सी इज 0.45 टाइम्स द वेलोसिटी प्रेशर इन डक्ट ए बी। ओके सो ही इज टेलिंग दैट लॉस, प्रेशर लॉस इन टू द बी सी इज 0.5 टाइम्स द वेलोसिटी प्रेशर इन डक्ट ए बी। मतलब ए बी डक्ट में जो भी वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी प्रेशर मीन्स दैट इज द डायनेमिक हेड। तो ए बी का डायनेमिक हेड का 0.5 टाइम्स है। ओके एंड द लॉस इन द रिड्यूसर डी सी डी ई सॉरी सो लॉस इन रिड्यूसर डी ई मीन्स हियर इन दिस सेक्शन द लॉस इज 0.2 टाइम्स द वेलोसिटी प्रेशर इन डक्ट ई एफ। ओके सो वॉट एवर बी द वेलोसिटी इन ई एफ, ओके सो लेट अस कन्वर्ट इन टू द हेड मीन्स डायनेमिक प्रेशर। सो लॉस इन ई एफ इज 0.2 टाइम्स दिस वेलोसिटी प्रेशर है। ओके यूजिंग एक्सप्रेशन प्रेशर लॉस इज इक्वल टू 0.263 वी रेस टू 1.35 डिवाइडेड बाई डी रेस टू 1.27 मीन्स वी हैव टू कंसिडर फ्रिक्शनल लॉस इन लॉन्ग पाइप दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ओके फ्रिक्शन लॉस वी कैन फाइंड आउट विद दिस इक्वेशन। ओके वेर पी एफ इज द प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन मिलीमीटर ऑफ वाटर पर 100 मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट। मीन्स हियर दिस पी एफ इफ यू यूज दिस इक्वेशन देन द यूनिट ऑफ द प्रेशर लॉस विल बी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ वाटर। ओके मिलीमीटर ऑफ वाटर बट अप टू हाउ मच लेंथ 100 मीटर लेंथ। ओके वी इज डक्ट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। ओके सो इन वाइल यूजिंग दिस इक्वेशन वेलोसिटी मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड एंड डी इज द डायमीटर इन मीटर। सो वी हैव टू टेक डी इन टर्म्स ऑफ मीटर ओनली एंड इट इंडिकेट द डायमीटर ऑफ द डक्ट। ओके इट इंडिकेट द डायमीटर ऑफ द डक्ट। ओके कैलकुलेट द स्टेटिक प्रेशर एट पॉइंट नंबर ए। सो ही इज टेलिंग दैट वॉट शुड बी द स्टेटिक प्रेशर एट पॉइंट नंबर ए। ए पॉइंट पर कितना स्टेटिक प्रेशर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके चलो सो वॉट विल डू, वी हैड ऑलरेडी मार्क्ड वॉट एवर बी द डेटा गिवन इन दिस स्टेटमेंट इन फिगर एंड सम डेटा इन टू द शॉर्ट फॉर्मेट। ओके
चलो सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल. वी हैव टू फाइंड आउट प्रेशर एट इनलेट मींस एट ई. ओके सो आई एम कीपिंग द सेम थिंग हियर. सो आई एम कीपिंग द सेम डायग्राम. ओके एंड शॉर्ट नोटेशन विच इज ऑलरेडी मार्क्ड हियर. नाउ सी बिफोर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल हियर सी कंटिन्यूअसली ही इज टेलिंग अबाउट डायनेमिक हेड. सो लेटस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सी अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डायनेमिक हेड. सी ऑलरेडी वी नो बर्नौलीज इक्वेशन पी बाय रो जी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय टू जी. ओके सो हियर इफ यू आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रेशर रिलेटेड टू दिस वेलोसिटी देन लेटस्ट कोरिलेट विद द प्रेशर पी बाय रो जी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय टू जी. सो पी वी जी जी विल गेट कैंसल. सो पी वी विल बिकम रो वी स्क्वेयर बाय टू. ओके सो इफ वी कंसिडर ओनली एयर विल पास देन लेटस्ट टेक एयर डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज 1.2 वी स्क्वेयर बाय टू. सो दैट विल बी इक्वल टू 0.6 वी स्क्वेयर न्यूटन इंटू मीटर. सो वी कैन से दैट 0.6 वी स्क्वेयर न्यूटन इंटू मीटर इज डायनेमिक प्रेशर. ओके दिस प्रेशर इज जनरेटेड इफ दिस मच वेलोसिटी बिकम्स स्टेग्नेंट. ओके एंड इफ विदाउट कंसिडरिंग एनी लॉस. ओके सो दिस इज द डायनेमिक डायनेमिक प्रेशर बट इट इज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. सो इफ आई वॉन्ट डायनेमिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ वॉटर देन वी नो दैट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9.8 मिलीमीटर ऑफ वॉटर. ओके सो वी कैन कन्वर्ट दिस टर्म बाई डिवाइडिंग 9.81. सो दिस विल बिकम वी अपॉन 4.04 मीटर स्क्वेयर ऑफ मिलीमीटर ऑफ वॉटर. ओके सो इफ वी मार्क वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड हियर देन दिस इक्वेशन इंडिकेट द डायनेमिक प्रेशर विच इज जनरेटेड ड्यू टू दिस वेलोसिटी. मीन्स इफ वी आइसेंट्रोपिकली स्टेग्नेंट दिस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट then pressure generated due to this conversion of kinetic energy into the pressure energy that will be given by V upon 4.04 whole square this much millimeter of water. This is the physical meaning. Okay, so this is called as dynamic pressure. And already it is given, this equation is already given, frictional pressure loss equation is already given. Okay, so once again I am writing here, okay, just for our information. चलो सो हियर सी वी हैव टू फाइंड आउट द लॉसिस. ओके बिकॉज हियर वी नो द प्रेशर. ओके हियर वी नो द प्रेशर. वॉट इज द प्रेशर? दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो गेज प्रेशर वाइज प्रेशर इज जीरो हियर. वाई? बिकॉज इट इज ओपन टू द एटमोस्फियर. सो इफ वी डिडक्ट द लॉसिस देन वी कैन फाइंड आउट स्टेटिक प्रेशर एट दिस लोकेशन. ओके चलो सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट लॉसिस फर्स्ट. ओके बट वी नो दैट सी हियर in equation of the loss we need the velocity. See diameter values are given so we do not have any problem related to the diameter. Okay but velocity is required. Okay so let us first of all find out velocities in each section. Okay what is the velocity in AB section, CD section as well as EF section. Okay because frictional pressure head that is given in terms of velocity. Okay चलो सो हियर वेलोसिटी इन सेक्शन नंबर 1 इज ऑलरेडी गिवन. V1 इज ऑलरेडी गिवन. ओके सो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. सी वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. ओके सो लेट अस मार्क द कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड लेट अस कोरिलेट वॉल्यूम फ्लो रेट फ्रॉम ए बी सेक्शन एंड सी डी सेक्शन. ओके सो हियर इफ वी कंसिडर दिस एज अ सेक्शन नंबर 1 एंड इफ वी कंसिडर दिस एज अ सेक्शन नंबर 2 देन वी कैन से दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 A2. इवन if we consider this as a section number 3 then let us correlate with the a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to a3 v3. Okay so I want to find out velocity in the section number 2 means in cd section. So with this equation a1 v1 is equal to a2 v2 v2 is equal to a1 v1 by a2 so that will be become v1 let us correlate with the diameter because diameters are given so d1 by d2 square. Okay pi by 4 will get cancelled. Okay so d1 is known that is 0.6. okay d2 is also known that is 1.2 and velocity in section number 1 is also given that is 10 meter per second. Okay chalo so velocity in section number cd
in section number CD, that is completed, that is 2.5 meter per second. Okay. Now similarly, let us correlate A1V1 is equal to A3V3. Okay. So we can say that V3 is equal to A1V1 by A3. So V1 by D1 by D3. Okay. So velocity V1 is known, that is 10. D1 diameter is also known, 0.6. Okay. D3 diameter is given, that is 0.45. Okay. So with this equation, velocity in EF section, that will become 17.8 meter per second. So at least velocity part is completed. Okay. Now, let us find out the pressure head, means dynamic head in each sections. Okay. So let us first of all start from this AB section. Okay. So already as per this discussion. Okay. Pressure head into the section number 1, PV1, that is equal to V1 divided by 4.04 square. So 10 by 4.04 square. So this will become 6.13 millimeter of water. Okay. Similarly, pressure head into this section, CD section, that will become PV2 V2 divided by 4.04 whole square. So that will indicate, if we put the value of velocity V2, which is already completed, okay, 2.5. Okay. So this will indicate 0.383 millimeter of water. So this is the dynamic pressure head into this CD section. Okay. Similarly, EF section may be find out kar dete hai. Okay. So in EF section, that will be 19.4 millimeter of water. Okay. So pressure head, dynamic pressure head in these three sections are completed. Okay. Now see, already he told that the pressure in the section BC is a fraction of 0.5 of pressure, dynamic pressure head into this velocity. Okay, it is given. See, it is already given. Okay, the losses in the expander BC is 0.5 times velocity pressure head in AB. Okay, so usko maine equation ke format mein likh diya. So pressure head in this BC section, that is equal to 0.5 of pressure head into this AB section. Okay, so 0.5 pressure head in AB section is already completed, that is 6.13. okay, so this term will indicate 3.065 millimeter of water. Okay, similarly, pressure loss into EF section is also given. See, the pressure loss in DE section, not EF section, DE section, okay, that is equal to 0.2 times velocity in EF section. EF section ka jo velocity head hai uska 0.2 times hai. Okay, so let us write down this in terms of equation. So that is equal to 0.2 velocity pressure head in EF section. So 0.2 velocity head into the EF section is 0.38 velocity pressure head into this EF section is 19.4. okay, ye to CD section hai. Okay, for EF section this is the velocity 19.4. okay, so multiply by 19.4. So that will indicate 3.88 millimeter of water. Okay, chalo, so loss in DE and BC section is completed. Okay, losses in BC section and losses in DE section is completed. Okay, chalo, so subsequently let us find out losses in AB, CD and EF section. Okay, chalo, so losses in pressure losses in AB section, that is given by this equation. Okay, PF is equal to 0.265, but here velocity we had indicated with V1. Uska velocity humne V1 se indicate kiya hai. So V1 raised to 1.35 divided by D1 raised to 1.27. Okay, but this is per length. How much length? Per 100 mm long. Okay, 100 meter long ke liye hi hai. Okay, so what we'll do? For 100 meter, this is the pressure loss. So for L1 distance, what is the loss? L1 is 45 meter. Okay. So what we'll do? L1 divided by 100 kar lete hai. Okay. Chalo, to baki ki value to sab pata hai. V1 is known, diameter is known. So let us put this value of velocity and diameter. Okay. So with this calculation, pressure loss in this section, AB section, will become 16.02. Okay. Chalo, so pressure loss in AB section is also completed. Similarly, pressure loss in CD section, again let us use the same equation. Okay, but here velocity will be V2 because we had indicated velocity V2 for this section. Okay, and diameter will be 1.2, we had indicated with D2. Okay,
चलो तो वी टू का वैल्यू लिख देते हैं, डी टू का वैल्यू लिख देते हैं, सो दैट लॉस विल बी दैट प्रेशर लॉस विल बी 1.7 मिलीमीटर ऑफ वाटर। ओके सबसिक्वेंटली ई एफ के लिए भी इक्वेशन लिख देते हैं। ओके सो प्रेशर लॉस इन दिस ई एफ सेक्शन, तो यहाँ पर वी थ्री लिख देते हैं, डी थ्री लिख देते हैं, वेलोसिटी इज ऑलरेडी नोन इन सेक्शन नंबर थ्री, दैट इज 17.8। ओके एंड डायमीटर इज ऑलरेडी गिवन, सो प्रेशर लॉस इन टू दिस ई एफ सेक्शन विल बी 22.35 मिलीमीटर ऑफ वाटर। ओके चलो सो वॉट विल डू, लेट अस फाइंड आउट टोटल प्रेशर लॉस बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में जितना प्रेशर लॉस होता है वो कैलकुलेट कर देते हैं। सो टोटल प्रेशर लॉस इज इक्वल टू लॉस इन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी ई प्लस ई एफ, सभी लॉस का हम समेशन कर देते हैं। ओके सो प्रेशर टोटल प्रेशर लॉस इन डक्ट ए बी विल बी द समेशन ऑफ लॉस इन ए बी सेक्शन प्लस बी सी सेक्शन प्लस सी डी सेक्शन प्लस डी ई प्लस ई एफ सेक्शन। ओके सभी हमने कैलकुलेट कर दिया है। ओके सो पी एफ लॉसेस इन पी एफ सेक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट इज 16.02, सो 16.02 मार्क कर देते हैं। प्रेशर लॉस इन बी सी सेक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट इज 3.065, तो वो वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं। ओके दिस वन। ओके सिमिलरली प्रेशर लॉस इन सी डी दैट इज हियर, कहाँ गया दिस 1.7। ओके प्रेशर लॉस इन सी डी सेक्शन दैट इज 1.7, सो लेट अस मार्क हियर। ओके एंड प्रेशर लॉस इन डी ई सेक्शन विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, प्रेशर लॉस इन डी ई सेक्शन दैट इज 3.88, तो ये 3.88 मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ओके एंड प्रेशर लॉस इन ई एफ सेक्शन दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, प्रेशर लॉस इन ई एफ सेक्शन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड 22.35, तो वो भी मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ओके सो लेट अस मेक द समेसन, सो टोटल प्रेशर लॉस विल बी 14.015 मिलीमीटर ऑफ वाटर। ओके चलो कंप्लीट, बट हियर सी टोटल प्रेशर लॉस इज कंप्लीटेड, बट हियर इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट स्टेटिक प्रेशर एट पॉइंट नंबर ए, ए पर स्टेटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। ओके सो हाउ विल यू फाइंड आउट द स्टेटिक प्रेशर एट पॉइंट नंबर ए, इट इज लेट अस अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन, स्टेटिक प्रेशर एट ए प्लस वेलोसिटी हेड मीन्स p by rho g plus v square by 2g plus z is equal to p3 pressure, velocity and potential head at f section, we can correlate with the Bernoulli equation, both points are on the same height, so zz can be cancelled into the Bernoulli equation, so we have to correlate only pressure and velocity head. Okay, so pressure head at section number 1, okay, that is ps1, okay, and static pressure at point number 1, and dynamic head means v square by 2g, that is PV1, okay, that is equal to PS3 means static pressure at F section and velocity head at F section. Okay, both are on the same datum, so there is no need to write down Z. Okay, but plus losses in between these two because flow is taking place from left to right. Okay, so here energy means some pressure energy will loss here. Okay, so pressure and velocity, so out of some pressure at the section number A will be utilized to overcome this friction. Okay, so we have calculated that as a friction loss. Okay, so we have to add friction loss at this side. Okay, बस तो जितना value है उतना हमको लिख देते हैं. P pressure velocity head at point number 1 is already completed, that is 6.13. Okay, तो यहाँ से ये value लिख देते हैं. स्टेटिक प्रेशर एट पॉइंट नंबर थ्री दैट इज जीरो, वाई बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन दैट दिस सरफेस इज ओपन इन टू द एटमोसफियर, सो गेज प्रेशर वाइज प्रेशर इज जीरो। प्लस वेलोसिटी हेड एट एफ सेक्शन, सो वेलोसिटी एट एफ सेक्शन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, दैट इज 19.4। ओके तो ये 19.4 यहाँ पर लिख देते हैं, एंड ऑल लॉसेज आर ऑल्सो कम्प्लीटेड, सो ऑल लॉसेज 47.05। ओके सो स्टेटिक प्रेशर एट पॉइंट नंबर 1 विद दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट स्टेटिक प्रेशर एज 60.285 मिलीमीटर ऑफ वाटर। ओके चलो सो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ड्रॉप इन एयर कंडीशनिंग डक्ट। ओके चलो सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके वी विल सी मोर एग्जाम्पल।